पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए वैसे तो ये बहुत निजी कार्यक्रम होते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि मजहब को सियासत से दूर रखना चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा फरीजा होता है, उम्रे के लिए जाते हैं हम लोग, हज के लिए जाते हैं, काबतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, तवाफ़ करते हैं। मदीने मुनव्वरा में हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाने पर हाजिरी देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं और उनके वसीले से मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अपने मुल्क के लिए तरक्की की दुआ करते हैं, मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत, मुल्क के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द, गंगा जमुनी तहजीब कायम रहे, हम सब खुशहाल रहें और अपने मुल्क को सुपर पावर बनाएं, यही हमारी दुआएं हैं। और इसके अलावा जितने भी लोग परेशान हैं उनकी मदद अल्लाह पाक फरमाए, बीमारों को शफा अता फरमाए, जो लोग कारोबार नहीं कर पा रहे हैं अल्लाह पाक उनके कारोबारों में तरक्की दे, जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो पा रही हैं उनको अच्छे उनके अच्छे शोहर नसीब कराए, यही सब दुआएं होती। राम मंदिर का जिक्र आया तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी है अयोध्या में, यूपी के जो धर्मगुरु हैं इमाम शहन है उन्होंने न्योता दिया गया है, क्या कहेंगे? अब ये उनकी पर्सनल वो है कि वो न्योता दिया गया है, वो चाहें या ना चाहें, इमाम शहर ये हमारे सब धार्मिक हेड होते हैं तो ये तो उनके ऊपर है, जाएंगे या नहीं जाएंगे। रामचंद्र जी हिंदुस्तान के बहुत से मुसलमान भी ये मानते हैं कि वो इमाम उल हिंद थे, मुसलमान भी उनका एहतराम करते हैं। रामचंद्र जी की जो शख्सियत है, उन्होंने इंसानियत को सेक्रीफाइस का बहुत बड़ा सबक भी दिया था। ये हिंदू भाई तय करें क्या रामचंद्र जी का ये डेकोरम है कि हम अब वोट की खातिर उनको घसीटें और अपनी राजनीति में लेकर आएं और एक 500 साल पुरानी मस्जिद गिरा दें, लोगों को मार दें, लोगों को जेलों में डाल दें, क्या रामचंद्र जी का यही पैगाम था? ये तो इन लोगों को यहाँ से जाने के बाद मालूम होगा, दुनिया से जाने के बाद क्या सही था और क्या गलत। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।